नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालोतरा के निकटवर्ती किटनौद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किटनौद में पदस्थापित शिक्षक सुरेश कुमार और खेताराम का विदाई के उपरांत विद्यालय परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन प्रभारी प्रधानाध्यापक किस्तूरा राम नामा की अध्यक्षता में किया गया। विदाई के दौरान बच्चे शिक्षक सुरेश कुमार से लिपट कर रोने लगे और भावुक शिक्षक सुरेश कुमार ने बच्चों को धीरज बांधते हुए कहा कि मैं आपसे हमेशा समय समय पर मिला करूंगा। ऐसी भावुकता देख समस्त ग्रामीण और शिक्षकों के भी आंखों में आंसू निकल पड़े। वहीं कार्यक्रम का संचालन शिक्षक विक्रम दवे के द्वारा किया गया। वहीं कहा कि सेवा में आने वाला की विदाई होना एक परंपरा है जिसका हर किसी को पालन करना है। इनका शिक्षकों और छात्रों से हमेशा मधुर संबंध बना रहा। आज इनका विद्यालय से जाना हम सभी के लिए काफी दुखदायी है। सबने उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन की कामना की है। वहीं कईयों ने कहा कि इस मौके पर इतनी भीड़ उनके स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा का एक उपहार है। इस विदाई समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि किटनौद सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र करण सिंह हरनाथ सिंह ने शिरकत की और शिक्षकों के द्वारा शिक्षा के प्रति ईमानदारी पूर्वक किए गए कार्य, मधुर स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा की चर्चा की। सर, जो बच्चे भावुक है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना है, सही रहना है, सही लाइन पे चलना है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, विकासशील बच्चे हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चे हैं, अनुशासित बच्चे हैं, ऐसे अनुशासन में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। बच्चे हमेशा खुश रहे, उत्तर उत्तर प्रगति करें और अपने माता पिता का और गाँव वालों का नाम रोशन करें।